गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ शाम के टाइम में। अभी बज रहा है 6:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू को लेके नीचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। इस वजह से थोड़ा वो नीचे घूमेगा तो उसको फ्रेश फ्रेश लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे घुमाने। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और आज बताती हूँ डिनर में क्या क्या बनेगा। मेरा फेवरेट बनने वाला आज डिनर, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या होता है आगे। और यहाँ देखिए बाबू का दूध गर्म कर रही हूँ, बस हो ही गया है गर्म। और यहाँ मैं लाई हूँ गुपचुप, मेरा तो फेवरेट है गुपचुप। और किसका किसका फेवरेट है कमेंट में बताना। हो गया दूध और मैं यहाँ खाने जा रही हूँ तिल का लड्डू। और यहाँ ये लोग बाबू को सुलाने का कोशिश कर रही है बट वो सोएगा नहीं। ठीक हो सोने तो खुराक निकला। ये देखना जय कर लो बेटा, जय जय करो, जय करो, करो ए नहीं वो नहीं छूना, गुस्सा हो जाएंगे भगवान जी। अब घंटी बजवा यहाँ नहीं पहुंचेगी कितना बदमाश। हेलो मार हाय कर दो हाय उधर देखो मम्मी को देखो मम्मी तुम यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चना का तड़का। यहाँ मैंने काटा है प्याज टमाटर मिर्चा और लहसुन की जो कली होती है उसको हल्का सा कूट के मैंने रख लिया। यहाँ देखिए मैंने डाला है मिर्चा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन, उसके बाद जाएगा इसमें प्याज। प्याज को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर। यहाँ मम्मी बर्तन धो रही थी, मैं बना रही थी खाना। और यहाँ पे बाबू सोया हुआ है, बाबू सोया तो हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी जल्दी हम लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। और यहाँ बहन धो रही है कपड़ा,
यहाँ पे मेरा हो रहा है प्याज फ्राई। हल्का प्याज फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। और मैं जब कुकर में सीटी लगाई ना चना और आलू, तो उसी में मैंने डाल दिया था हल्दी और नमक, तो इसमें मैं अभी नमक नहीं डालूँगी क्योंकि अगर इसमें डालती हूँ तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ डाला गरम मसाला, ज़्यादा मैंने मसाला यूज़ नहीं किया, गरम मसाला और मैगी मसाला, बस दो ही चीज़ मैंने डाला है और कुछ भी नहीं। टमाटर प्याज ये सब खड़ा खड़ा ही था, कोई भी मसाला मैंने नहीं पीसा मिक्सी में, सब मैंने यहाँ एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ और बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी क्या हो गया चिकू, क्या हो गया, क्यों 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 क्या करेगा। तो गाइस यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला हो चुका है रेडी। और यहाँ मैंने आलू निकाला, सीटी लगवाया था आलू और चना दाल का, और यहाँ मैं आलू निकाल के हल्का सा मैश कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी इसे कढ़ाई में, कढ़ाई में हल्का सा आलू मसाला के साथ फ्राई करने के बाद मैं फिर से वो सारे मसाला मतलब हर चीज़ को, चना दाल हो गया आलू का ये जो मैंने फ्राई किया वो सबको मैं फिर से कुकर में डाल के सीटी लगवा दी हूँ। सीटी लगवाने पे कुकर में बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरा मीठा पुलाव तड़का क्या पकौड़ी ये सब बनके तैयार है। मम्मी से मैंने बोला पकौड़ी सब्जी बना देती हूँ, बट मम्मी ने बोला जब तड़का बनाया तो सब्जी का क्या होगा, फिर हम लोगों ने पकौड़ी बना दिया। क्या हो रहा है? और ये है हमारा खाना और अब हम लोग जा रहे हैं खाने। यहाँ बाबू खेल रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे। मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से। चिकू बेटा कौन इतना